हे गाइस वेलकम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर 20,000। यहाँ से आप 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 120Hz का POLED मतलब सुपर एमुलेट डिस्प्ले भी दिया गया है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G पावरफुल गेमिंग चिपसेट भी मिल जाता है। तो गाइस, अगर आपको 15 से 20 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बाय करना है जिसमें कैमरा के अलावा बाकी के फीचर्स भी कमाल के दिए गए हों, तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक बने रहिए। बट गाइस यार, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आता है मेरी लिस्ट में रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 10 प्रो 4G। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है बट डोंट वरी, इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को आज के टाइम में भी कोई भी स्मार्टफोन बीट नहीं कर सकता कैमरा वाइज। मतलब इसका कैमरा एकदम बेस्ट दिया गया है। हालांकि नोट 11 प्रो सीरीज भी आ चुकी है बट कैमरा वाइज डाउनग्रेडेड की गई है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 6GB प्लस 128GB से आता है और इस फोन के अंदर ऑफर किया गया है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल। ये 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट होगा इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों रियर साइड में ग्लास ऑफर किया गया है विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको एकदम जबरदस्त मिलती है। इसके अलावा क्वाड कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का डेप्थ एंड 5 का माइक्रो लेंस दिया गया है। दोस्तों इसमें 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचुअल सेल्फी मिल जाती है। रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट इस प्राइस पर आपको 4K सपोर्ट मिलता है। जो न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें इस प्राइस पर किसी भी स्मार्टफोन में 4K सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये दोस्तों एकदम कमाल के कैमरा को लेकर आता है। डे लाइट, लो लाइट, सन लाइट में ये बेस्ट परफॉर्म करता है, डिटेल्स को अच्छे से मेंटेन कर लेता है। तो नो डाउट कैमरा एक्सपीरियंस आपको बेस्ट फील होने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G 4G चिपसेट मिलता है जो कि इस प्राइस पर डिसेंट गेमिंग कराने वाला है। ये 8nm पर बेस्ड है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि MIUI 12.5 पर बेस्ड है। इसमें दोस्तों 5020mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक, फेस अनलॉक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन बेस्ट वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 15,999। 16,000 रुपये में डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G82 5G। और ये इस सेगमेंट में पहला स्मार्टफोन है जिसमें कैमरा के अंदर OIS मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 6GB प्लस 128GB से आता है। इस फोन के अंदर ऑफर किया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस POLED मतलब सुपर एमुलेट बोल सकते हो जो कि पंचोल के साथ आता है सेंटर में। ये 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और 10 बिट का पैनल है, मतलब 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। ये भी आई थिंक ऐसा डिस्प्ले फर्स्ट टाइम इस प्राइस पॉइंट पर ऑफर किया गया है। तो नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का विद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड देन 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें 4K सपोर्ट नहीं मिलता है बिकॉज जो प्रोसेसर है वो 4K को सपोर्ट ही नहीं करता है। बट डोंट वरी, वीडियो रिकॉर्डिंग को छोड़कर सेल्फी
और फोटोज क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। दोस्तों इस फोन में परफॉर्मेंस मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट है, ओनली 6 nm पर आता है और इस प्राइस पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ से आप एकदम तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि MIUX बेसिकली इसको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड बोला जाता है उस पर बेस्ड है। इसमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 30W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 20 वेरियंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी एक्चुअल प्राइस है 21,499, बट आप इसको सेल के अंदर बाय करोगे SBI के क्रेडिट कार्ड से तो आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इजीली आप इसको 20,000 में डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है आईकू की तरफ से, आईकू Z3 5G। ये इस सेगमेंट में पहला स्मार्टफोन है जो कि 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB से आता है। इस फोन में ऑफर किया गया है 6.58 inch का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच, बट ये 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। दोस्तों रियर साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड देन 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। रियर कैमरा से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ में फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ से आप एकदम बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर वीडियो क्रिएट करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट फ़ोन हो सकता है। दोस्तों इस फोन में परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G, जो कि एक 5G चिपसेट है, 7 nm पर बना हुआ है और इस प्राइस पर आपको एकदम तगड़ी गेमिंग भी कराने वाला है। इसमें दोस्तों 4400 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 55W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 20 वेरियंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 17,990। 18,000 रुपये में डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।